आज हम मौजूद हैं एक्सपो सेंटर में जहां फूड एशिया एग्जीबिशन लगी हुई है। हमारे साथ आज मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि फूड फ्लेवर के हवाले से जब इतने मज़े मज़े के खाने खाते हैं ना, तो वो हम किस तरह खाते हैं, उस पर फ्लेवर का मज़ा कैसे आता है, हम इस पर जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, मेरा नाम महराजुल अशफाक है और मैं फ्लेविया इंटरनेशनल का रीजनल मैनेजर हूँ। मैं कराची बलूचिस्तान देखता हूँ। असल में आजकल ज़्यादातर खानों और बेकिंग आइटम में फ्लेवर्स का ज़्यादा, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स का ज़्यादा रुझान है, तो उस हवाले से हम कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं और लोगों के घर के किचनों में भी हम लोगों की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो कोशिश यही होती है कि अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें और कम अर्से में, कोई 14-15 साल में हमने काफ़ी तरक्की की है अपने काम में और एक अच्छे मकाम पे खड़े हुए हैं। जिन लोगों ने हमें देखा होगा हमारे फ्लेवर यूज़ करते हुए बड़ी इंडस्ट्री में, तो उनको यकीनन हम याद होंगे और वो कोशिश है हमारी कि और अच्छे से अच्छे जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करें। और हम जो है वो लिक्विड फ्लेवर और ड्राई फ्लेवर में भी डील करते हैं और फ्रेग्रेंस के हवाले से भी हम बहुत मशहूर हैं। डिटर्जेंट और सोप इंडस्ट्री में, पेंट इंडस्ट्री में हमारा काम बहुत अच्छा है। यहाँ पर थाई की जानिब से स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे YRK यारक्रान हम कह सकते हैं कि यार प्रोडक्ट से हम जानेंगे इनसे कि इनके पास क्या प्रोडक्ट है और वो इस प्रोडक्ट से क्या बना सकते हैं और कितना टेस्टी है। हेलो, हाउ आर यू? हाई, आई एम गुड। ओके, व्हाट इज योर वेरी स्पाइसी प्रोडक्ट्स? Spicy? It must be all the tincture products. It can be in any like tincture cookies or butter chicken. If you use the tincture powder inside, it will increase more spicy. Assalamu alaikum, Bakar sahab. Wa alaikum assalam. Kya kahenge is expo ke hawale se? एक्सपो के हवाले से बहुत, यहाँ पे मैं भी अभी थोड़ी देर हुई आया, मुख्तलिफ मुल्कों के स्टॉल्स देख, जो लोग आए उनको बिजनेस भी मिल रहा है और एक्सपो में पार्टिसिपेट करने का मकसद ही यही होता है कंपनीज़ का कि उनको यहाँ से बिजनेस मिले और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। स्टॉल पर मौजूद हैं, इसका नाम है पैकेज और पैकेज के जो रूह रवा हैं हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि ये कीप ग्रीन सिटी का, अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, उस हवाले से भी काम कर रहे हैं। हमने ये देखा कि यहाँ पर जैसे जो मटेरियल है वो यकीनन यहाँ पर कागज़ के हैं, एक हम इस बारे में जानेंगे क्योंकि मज़ीद डिटेल यही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे सर पैकेजिंग, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, क्या बना रहे हैं? बेसिकली क्राफ्ट पेपर, अगर किसी को आइडिया हो, बेसिकली प्लास्टिक का ऑल्टरनेटिव हमने निकाला है। पेपर में नॉर्मली ये चीज़ें हैं प्लास्टिक में ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, फूड बिजनेसेस जो कर रहे होते हैं थर्मोपोल में हो रही होती है, तो उसका ऑल्टरनेट हमने निकाला है पेपर में और शुगर केन मटेरियल में। तो शुगर केन के पल्प से जो है वो बनता है कंटेनर और फिर वो आप आराम से अपनी फूड डिलीवरीज में इस्तेमाल करें, कोई इशू वाली बात नहीं है। बायोडिग्रेड भी हो जाता है और अच्छे से आपका ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है, अगर गर्म से गर्म, ठंडे से ठंडा, नो इशूज़, हर चीज़ में ये काम कर लेता। क्या फ्यूचर देखते हैं फूड के हवाले से कराची में और पाकिस्तान में, क्योंकि बाहर से भी लोग आए हुए हैं? हाँ, बाहर से काफ़ी लोग आए हुए हैं और इंडस्ट्री अभी अच्छी चल रही है, अच्छा रहा और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। फूड के हवाले से मैं बोलूँ तो काफ़ी ब्रांड्स थे लेकिन पहले से बनिस्बत थोड़े कम थे, लेकिन फिर भी अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा और जो इंटरनेशनली लोग आए उनके लिए एक अच्छा तासुर गया है कि बहुत सारे ब्रांड अटैच रहे हमारे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चावला प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड के स्टॉल पर और हम यहाँ पर जानेंगे क्योंकि हमारी, मैंने यहाँ पर देखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी हैं जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो हम जानेंगे कि चावला इंडस्ट्रीज़ जो है वो मज़ीद क्या क्या चीज़ें बना रही है। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे? वालेकुम अस्सलाम। क्या बना रही है चावला इंडस्ट्री? सर, चावला इंडस्ट्रीज एडहेसिव टेप बना रही है जो पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह उसका बहुत बड़ा नाम भी है और काम भी है और पूरे पाकिस्तान में इसकी सप्लाई जाती है, कॉर्पोरेट में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है। स्मॉल बिजनेस के हवाले से अगर मैं बात करूँ कि जो लोग घर से काम कर रहे हैं या छोटे लोग काम कर रहे हैं, वो ज़ाहिर है वो जाकर बाहर से होल सेलर से बाय करते हैं, तो क्या सहूलत आप प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो कम MOQ में वो चीज़ें बाई कर सकें आपसे एक मुनासिब रेट में एज़ कम्पेयर टू मार्केट, तो वो अवेलेबल है या नहीं है? बिल्कुल अवेलेबल है, हमने बल्कि अपना एक फैक्ट्री आउटलेट बनाया हुआ है उर्दू बाजार के अंदर कराची के अंदर, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा लोगों के लिए आसानी ये है कि वो कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहें या आगे ऑनलाइन काम करना चाहें, खुद अपना बिजनेस करना चाहें या कुछ सप्लायर्स हैं जो लेके आगे ट्रेडिंग करते हैं, वो हमारे फैक्ट्री आउटलेट से परचेज कर सकते हैं उसी प्राइस पर जिस प्राइस पर हम बल्क में डील कर रहे होते हैं, तो स्मॉल क्वान्टिटी के अंदर वो परचेज कर सकते हैं और आगे सप्लाई कर सकते हैं।